الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا वाजिब तकरीम हजरात उलमाए किराम बुजुर्गान दीन नौजवान मिल्लत अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद आजाद नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह पाक ने ये वादा किया है कुरान मजीद के पहले पारे में फमन तबिया हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के जो लोग ईमान लाएंगे पैगंबरों को मानेंगे फिर उसके बाद उनको दी हुई शरीयतों पर अमल करेंगे शरीयत के अहकाम को दिलो जान से मानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कलाम में अपने ईमान वाले बंदे और बंदियों से ये फरमा रहे हैं कि तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है चाहे कितनी पार्टियां बदल जाए हुकूमतें बदले और उसके रूल बदले लेकिन अगर तुम मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी अदा करूंगा। बुजुर्गों और भाइयों बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात पेश कर रहा हूं। आप उलमाए किराम से ये बात पूछ सकते हैं ईमान के जरिए अल्लाह पाक हमको सिर्फ जहन्नम से नजात देगा ईमान के जरिए आदमी को दुनिया में एहतराम और इत्मीनान वाली जिंदगी ओनली ईमान से नहीं मिल सकती विदाउट अमल आदमी चाहे कि मुझे रिस्पेक्टेड लाइफ मिल जाए मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए स्ट्रगल लाजिम है अगर ओनली ईमान से जनाब इत्मीनान मिल जाता है तो आप हजरत सहाबाए किराम हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुद अल्लाह और उसके रसूल ने इनसे कैसे कैसे स्ट्रगल करवाए
नमाज पढ़ लेने से, ईमान में दाखिल हो जाने से मसाइल का सोल्यूशन हो जाता होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इतने ज्यादा मुजाहदे न करवाते जिसको आज हमारी इस दुनिया के अंदर हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों, जब कभी माहौल बिगड़ता है और जब से जो है इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपने अलग कॉन्सेप्ट और नजरियात वाली कायम हुई है, मैं और आप ये समझ रहे हैं कि अब हमारा जीना मुश्किल है। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपको इस जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठकर ये यकीन दिला रहा हूं, और ये कोई प्लेटफॉर्म छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, मिंबरे रसूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, पार्लियामेंट में जो भी पास होना वो हो, अगर मैं और आप इस्लाम के सच्चे फॉलोअर हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और हदीस की शक्ल में, फिका की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसकी गाइडलाइन में चलते हैं, हमारे समाज को चलाते हैं, तो इंशाअल्लाह अजीज कोई ताकत मुझे और आपको रुसवा नहीं कर सकती। मैं पूरे इंडिया देश को और पूरी तमाम पब्लिक को यह बात बताना चाहूंगा कि मुसलमान न पहले एंटी नेशनल था, न एंटी नेशनल है, न कभी मुसलमान एंटी नेशनल बनेगा, क्योंकि मुसलमान के दीन की यह तालीम ही नहीं है, इस्लाम की यह तालीम ही नहीं है। इस्लाम नाम के अंदर ही सुलह, शांति, अमन जैसे बवाद मौजूद है। इसलिए अपनी रोटी सेकने के लिए और अपने राजनीतिक मसाइल को हासिल करने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए बड़ी आसानी के साथ मुसलमानों को एंटी नेशनल जाहिर करने की कोशिश की जाती है, और फिर मीडिया कोई कमी रखता है प्रोपेगेंडे में। मेरे भाइयों, आप जानते हैं जब से हमारे गुजरात में विधानसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद से अखबारात में और दूसरे चैनल्स के अंदर एक बात हो रही है कि वन नेशनल वन लॉ और UCCC का एक बिल पास होने जा रहा है, मुसलमानों में इसके बारे में एक कंफ्यूजन है और दूसरे लोग भी कि ये है क्या और इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके एडवांसेस क्या होंगे, डिसएडवांसेस क्या होंगे। इस सिलसिले में हम लोग और सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन देखो जब तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं होता, जब तक कोई हमारे सामने उसका सही खाका नहीं आता, हम इस पर कोई स्टेप ले नहीं सकते हैं। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फखर है और हमारे बंधारण ने हमको जो रिलीजियन फ्रीडम करार दिया है, हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, इसे हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारा देश का लॉ ये कहता है, आर्टिकल 24, 25 और 29, ये आर्टिकल जो है वो हमें ये बताते हैं कि भारत देश में बसने वाला हर नागरिक अपने धर्म को फॉलो करके चल सकता है, इतना ही नहीं बल्कि अगर वो उसका प्रचार प्रसार और उसकी तबलीग करना चाहे तो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई ममानात नहीं है। अब जो रूलिंग पार्टी है वो ये चाहती है कि हमारे बंधारण के अंदर
44 नंबर का एक जो एक समझे के गाइडलाइन के तौर पर बताया गया है, और देशवासियों से एक रिक्वेस्ट और एक अपील की है जिन्होंने बंधारण लिखा है उन्होंने कि कोशिश करें कि माहौल ऐसा हो कि एक देश और एक कानून बने, जबकि ये दोनों धाराएं आपस में क्रैश हो रही है। आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 और 29 इनके अंदर क्रैश है, टकराव है, और इसीलिए आज तक ये मसला जो है हल नहीं हो सका। बुजुर्गों और भाइयों, चूंकि पार्टियां जो इलेक्शन जीतती हैं उनके पास इनके मैनिफेस्टो होते हैं, उनके एजेंडे होते हैं। बीजेपी ने जब इलेक्शन जीता है पूरे देश में तो उनके पास एक मैनिफेस्टो थे, उन मैनिफेस्टो के अंदर यूसीसी को पास कराना और पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना, ये इनके मैनिफेस्टो में था, इनके एजेंडे में था। जाहिर बात है कि आज किसी के एजेंडे में कोई बात हो तो वो अपने एजेंडे के मुताबिक इस पर लायक तो करने वाला है। इसलिए अगर वो बिल पास होता है तो हम मुसलमानों पर क्या असर होगा, उसका क्या नतीज है, और ऐसे माहौल में एक मुसलमान अपने दीन ईमान की सेफ्टी के साथ कैसे इस देश में जिंदगी गुजार सकता है, इस पर मैं आज की स्पीच में हाईलाइट करना चाहता। बुजुर्गों और भाइयों, अंग्रेज लोग हमारे यहां जब हुकूमत करते थे तो उन्होंने कुछ कानून बनाए थे जिसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ में सब बराबर थे। अंग्रेजों ने जो पर्सनल लॉ थे उस पर्सनल लॉ को टच नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसके अंदर मैरिज, डाइवोर्स और डिवाइड ऑफ प्रॉपर्टी और इस तरह के जो मसाइल होते हैं जिसको हम आईनी मसाइल या मुस्लिम पर्सनल लॉ या सामाजिक मसाइल के जरिए से जान सकते हैं, वो मसाइल उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किए। तो उस वक्त भी छोड़ दिया था कि हर कम्युनिटी अपने अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक इसको फॉलो करेगी और उसको चलेगी। जो है उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है लाना पड़ा, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने पड़े, उसके लिए सब चलता रहा। लेकिन अब कोर्टों की तरफ से भी और आए दिन सोशल मीडिया क्या और तमाम अखबार के अंदर ये बात सुर्खियों पर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। बुजुर्गों और भाइयों, मैंने जैसे आपको बतलाया कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमारा कुरान और हदीस पर पूरा ईमान और यकीन है, दिलो जान के साथ उसको मानते हैं। मुसलमान के रग रग में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है, भले वो अमल में कमजोर होता है लेकिन कभी मुसलमान अपने दीन के अंदर मुदाखलत वो गवारा नहीं करता। जान मांगो तो जान दे दूं, माल मांगो तो माल दे दूं, लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल दे दे। मुसलमान रोजे अव्वल से अपने मजहब के बारे में इतना सेंसिटिव है कि वो भूखा रहना गवारा कर सकता है, वो अपनी हालतों को बद से बदतर करना गवारा कर सकता है, लेकिन अपने मजहब को छोड़ना वो कभी गवारा नहीं करे। इसलिए अगर बिल पास होना है और जैसे माहौल लगता है वो भी जाता है तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कमेटी बनी हुई है वो देखेंगे, रिसर्च करेंगे। अगर क्रैश हो रहा है इस्लामिक लोग के साथ इसका क्रैश हो रहा है तो उस वक्त जो होगा राय अमल और गाइडलाइन उलमा की तरफ से आएगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि जब हमारे ऊपर कोई जबरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम
लेक्चरों में पढ़कर अपने आप को भी, अपनी एनर्जी को भी हालत बर्बाद करते हैं, अपने माल को भी बर्बाद करते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, याद रखो, कोई भी बिल पास होगा, कोई आपके घर में जबरदस्ती आपके ऊपर कुफ्रोशित कराने नहीं आ सकता। परेशानी जब होगी, जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए या बदला लेने के लिए औरतों का नाजायज सहारा लेंगे और अपने मफाद के लिए हम नाजायज कानून का सहारा लेंगे तो ये हालात आएंगे फिर। इसलिए आज से ये अहद करो कि इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखेंगे, हम नाजायज तौर पर औरतों का सहारा नहीं लेंगे। आप ये अपने दिल में तैयार करो, चाहे प्रॉपर्टी का मसला हो, चाहे डाइवोर्स का मसला हो, वक्त का मसला हो या कोई और मसला हो, पर्सनल लॉ के मातहत में 52 मसाइल आते हैं, 52 मसाइल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मातहत आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दो बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद है, दारुल इस्लामी अरबिया मातली वाला, उसका फतावा विभाग बहुत आबोताब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कौमो मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहा है। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, आप आइए, अपने मसाइल का मुफ्तियाने किराम से हल करवाइए। दारुल कंथारिया अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल्ला काबी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, हमारी इस मस्जिद में सालों साल उन्होंने खिदमत अंजाम दी और फतावा विभाग की भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। तो मैं मुस्लिम पब्लिक से अपील करने जा रहा हूँ कि डिस्टर्ब तो हम जब होते हैं, जब हम उनके कवानीन के मोहताज रहते हैं। हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी ने हमको किसी का ओशियारा नहीं बनाया, हमारी लैंग्वेज में हमको किसी का मोहताज नहीं बनाया, हम क्यों इनके दस्तीकर बने। आपके पास शरीयत है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उलमा है, मुफ्तियाने किराम है, क्या प्रॉब्लम है आपको मुफ्तियों के पास जाने से। मेरे भाइयों, एक नौजवान मिला मुझे, सुनो गौर से और नाराज मत हो, और जो रियल मोमिन होता है, जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है, कभी हिम्मत नहीं हारता, माहौल जो होना हो अपने इस्लाम पर जमो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, इतना कोरोना काल आया और इतने सारे माहौल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन पर हैं इन्हें क्या नुकसान हुआ। पूरी मस्जिद में एक अल्लाह का बंदा, एक पर्सन ऐसा खड़ा होकर बोले कि मौलाना मैं एक रात भूखा सोया था, मैं एक रात, एक दिन का खाना मेरे घर नहीं पका। एक पर्सन, वन पर्सन, क्या हालात हम पर आए और क्या हमको ऐसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी को मजबूत करो, अपनी आइडेंटिटी को बचाओ, अपनी आइडेंटिटी की हिफाजत करो, डरो मत, अपनी आइडेंटिटी अपने साथ रखो, टोपी दाढ़ी कुर्ता और ट्रैवलिंग करो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, और अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ आप सफर कीजिए। घबराइए नहीं, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, अपना मुसलमान होना जाहिर कीजिए, जी आई एम मुस्लिम। क्या हम कोई क्रिमिनल है कि भाई डर रहे हैं अपनी आईडी छुपाएंगे। तो वो एक नौजवान मिला, वो मुझे कहने लगा तमें मुफ्ती हो यार, आओ जो है तमें जिहाद नो फतवो न दापता ले यार। तो मैंने कहा कि कौन सी कौम को जिहाद का फतवा देने की बात कर रहे हो, वो कौम जो सही वोट देना नहीं जानती, वोटिंग करना नहीं जानती, अपनी वोट की कीमत नहीं जानती। बुजुर्ग और भाइयों, आज का माहौल और आज के हालात, वोट ये मिसाइलों से भी ज्यादा ताकत रखता है। तुम क्या समझते हो वोट, क्या सियासत दीन से खारिज है? हमने सियासत को दीन से खारिज कर दिया। तो आज
के दिन, इलेक्शनों के दिन मन्नत समाज अदा करनी पड़ती है। अरे गुजराती में उसका नाम है मतदान। मतदान का मतलब समझते हो? मतदान, दान का लफ्ज तो जानते होंगे ना, हम ये दान कर रहे हैं, दान। और दान के लिए झगड़ा चाहिए। आदमी जो दान करता है ना, प्रॉपर्टी दान करता है, तो उसके लिए झगड़ा चाहिए। झिगड़ी से दान नहीं होता। तो वोटिंग करना हो, वोटिंग कीजिए, सही वोट कीजिए, उलमा से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। यूं नहीं चलेगा, खामोश बैठे नहीं चलेगा, लाया मल इख्तियार करना पड़ेगा। और आपको यह तय करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं आज यहां बैठकर आपके सामने बोल रहा हूं, अगर ऐसा दिन आए मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आके झूठे मारना, और जिंदा हूं तो मेरे चेहरे पर आकर के मार देना। अगर आप कुरान और हदीस के साथ, इस्लामी कल्चर के साथ, कुरान और हदीस के जो कवानीन है उसको फॉलो करते हुए रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इसी इंडिया के अंदर, इसी भारत के अंदर हमारी फुल्ली एडिटी के साथ, फुल्ली हमारी सारी कार्रवाइयों के साथ, नमाजों के साथ, जुमा के साथ, दीनी मजालिस के साथ, तबलीग के साथ, तदारी के साथ, तस्बीह के साथ, बल्कि दस्तों के साथ इंशाअल्लाह हम यहां रहेंगे। हमें कोई यहां से निकाल नहीं सकता, हम मिट नहीं सकते। ये मेरा आपको कुरान हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। अल्लाह रसूल ने कहे ऐसे वादे कर दिए। आप कुरान उठाओ, पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। जरा अरबी जानने वालों को पूछो, कुरान ने फिल हयातिद दुनिया को पहला स्टेप दिया कि तुम्हारी ये दुनियावी लाइफ जो है उसमें कहे अल्लाह तुम्हें बेयार और मददगार नहीं छोड़ने वाला है। अगर तुम अल्लाह रसूल के दीन पर चलोगे तो चाहे तुम्हारे सामने कैसी ताकतें आए, वो ताकतें न तुम्हारा न तुम्हारे दीन का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन सवाल तो मेरा आपका है, थोड़ा रिसेप्शन होता है शरीयत गायब, थोड़ी जनाब कोई ऐसा माहौल बनता है जहां थोड़ा बहुत उत्साह हो, शरीयत गायब। मेरा जैसा मौलाना मुफ्ती समझा, अरे यार मौलाना बोल सब आते तो चाले हूं, आते तो चाले हूं, ऐसा कैसा भाई? कौन सी शरीयत का आपको ऐसा कहा था शादी के दिन ऐसा चलता है, शादी के दिन शरीयत को फॉलो नहीं करने का, किसने कहा ऐसा? मेरे बुजुर्गो और भाइयों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, यूनिटी कायम करो, अपनी मफाद के लिए मिल्लत को कभी नुकसान मत पहुंचाओ। ध्यान से सुनो, अपने दिलो दिमाग में यह बात बिठा के ले जाओ, एक मरतबा अगर तुमने जीना किया होगा अल्लाह के सामने माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। शराब पी होगी अल्लाह के सामने माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। कोई और गुनाह किया होगा अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन याद रखो, मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत को तुमने मुनाफिक बन के नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह भी नहीं माफ करेगा, उसका नबी भी माफ नहीं करेगा। मिल्लत को कभी नुकसान मत पहुंचाओ, उम्मत को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, अल्लाह के रसूल का प्यार दीन कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। कोई एक्टिविटीज कोई भी मुस्लिम पर्सन ऐसी न करे कि जिससे मेरे नबी की शरीयत बदनाम, मेरे नबी का दीन बदनाम हो। पेपर छापने वाले ये नहीं जानते कि ये पर्सन है वो पूरी कम्युनिटी पर लाके रख देता है। मीडिया वाला एंकर नहीं जानता कि ये इसका जाति अमल है, वो पूरी कम्युनिटी के साथ इसको जोड़ देता है। इसलिए भाइयों, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहो, यूनिटी कायम करो। और मेरा आज का सबसे बड़ा सबक जो आपको है वो ये है कि अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस और मुफ्तियाने किराम के पास ले जाइए। आइए आप हमारे दारुल माफी वाला में, हर वक्त आपका वेलकम है, एनी टाइम आप आइए। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आपको अमल लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा।
हमारे प्रिंसिपल, हमारे मुफ्ती आले किराम हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है, बल्कि आते हैं तो इनके इस्तकबाल में जो जैसा मौसम होता है, चाय तो चाय, ठंडा तो ठंडा, आप आइए तो सही। क्यों कोर्टों में आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, पैसे खराब कर रहे हैं और इन हुकूमतों को आप चांस दे रहे हैं? अरे इनको यूसीसी क्या, ए से लेकर के जेड तक के जितने भी ग्रुप है और जे उनको कानून बनाओ बनावे, अगर इस्लाम के किसी उसूल से वो टकराएगा तो इंशाल्लाह उलमा इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इसलिए भाइयों यकीन रखो, दीन और ईमान पर जमो, इस्तेकामत इख्तियार करो। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुल आलिया अपने बयान में हमेशा हजरत मौलाना यूसुफ साहब के कमेंट सुनाते रहते हैं। वो बताते हैं कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो करते रहो, लगे रहो करते रहो का मतलब ही ये है कि हम और आप इन आमाल को कर रहे हैं, इन आमाल को करते रहो लगे रहो। ये मत समझो कि जनाब इसका कोई जस्तो नहीं मिल रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो भाई हमको नेक आमाल का बदला यहां थोड़ी ले लेता है। नेक आमाल के बदले के लिए तो अल्लाह ने आखिरत बनाइए। तुम सोचते हो कि मैंने अभी गरीब को खाना खिलाया, आनन फानन इसका बदला मुझे मिलना चाहिए, मैंने भी जुमा की नमाज पढ़ी, सूरह तैयब पढ़ी, उसका रिजल्ट जुमा के बाद दिखना चाहिए, तो कहीं एंटीबाइक से भी ज्यादा ऊपर थोड़ी होगा कि ऐसा ही हो जाएगा। एंटीबाइक में भी आदमी को दो चार घंटे लगते हैं, फिर जो है उसका कुछ असर होता है। मेरे भाइयों ये जरूरी नहीं है। अल्लाह आप मोमिन के नेक अमल का बदला दुनिया में कहीं पूरा नहीं देता, बहुत कम देता है। पूरा बदला जो मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। जी हाँ, इसलिए फिक्र मत करो, कभी आपके नेक अमल का तुमको जो है सामने फायदा नजर नहीं आता तो ये क्या कम फायदा है कि तुम अल्लाह के बंदे बन के नबी के उम्मती बन के जिंदगी गुजार रहे हो और इस्लामी रियलिटी के मुताबिक आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, तो ये क्या कम इनाम है? इसलिए जाहिरी नाम की तरफ और जाहिरी मफाद की तरफ नजर न करें। अल्लाह पाक पूरी उम्मत को सही समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा आपका हामी है, अल्लाह अपने दीन का हामी है, अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत का वादा लिया है। लेकिन फिर कहते जाऊंगा कि सिर्फ ईमान नमाज के ऊपर आप मदार न रखे, अपनी 24 घंटे की जो एक्टिविटीज है इसको दीन के ताबे बनाइए, शरीयत के ताबे बनाइए, शरीयत के दायरे में रहकर अपना हर काम करना सीखे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह आप अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।